भाजपा पर जब जब संकट मंडराया है, तब तब हर संकट की घड़ी में भाजपा के एक मजबूत चेहरे ने पार्टी का साथ दिया है। वो मजबूत चेहरा है राजनाथ सिंह, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है। फिलहाल राजस्थान में भाजपा के सामने मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बना हुआ है और साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह का संकट भी अभी तक कहीं ना कहीं बरकरार है। तो ऐसे स्थिति में राजनाथ सिंह ही एक ऐसे संकट मोचक है जो पार्टी को याद आए हैं। दरअसल राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक है, जो जमीनी स्तर से उठकर संगठन में होते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पद तक पहुंचे हैं। बता दें, राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 2005 से लेकर 2009 तक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उसके बाद 2013 में जब नितिन गडकरी ने भाजपा के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया था, तब पार्टी एक कमजोर मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। उस समय भी राजनाथ सिंह ने ही अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी और पार्टी को उस संकट की घड़ी से बाहर निकाला था। बता दें, राजस्थान में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब राजनाथ सिंह भाजपा के पहली बार अध्यक्ष बने थे। इस दौरान वसुंधरा से उनका पुराना तालमेल रहा है। ऐसे में राजनाथ सिंह ही वो नेता है जो वसुंधरा का सामना कर सकते हैं। बता दें, राजस्थान में वसुंधरा ही है जिसने मुख्यमंत्री के पद को लेकर पूरे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर रखी है और सबके सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि वसुंधरा राजे पार्टी की सबसे मजबूत नेताओं में से एक नेता है। वसुंधरा के अलावा जिन सांसदों और मंत्रियों की तरफ से मुख्यमंत्री की दावेदारी की जा रही है, राजनाथ सिंह उन सभी नेताओं में से सबसे सीनियर नेता है। ऐसे में राजनाथ सिंह को सभी नेताओं को समझाने और समझने में एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने राजस्थान का रण तो बहुमत के साथ जीत लिया है, लेकिन पार्टी में अब मुख्यमंत्री पद का खिताब किस नेता को दिया जाए, इस पर फिलहाल रार हो रही है। ऐसे में बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के जरिए इस जटिल मसले को सुलझाने का प्रयास किया है। बीजेपी राजस्थान की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छे से समझती है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका महत्व भी समझती है। ऐसे में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर इस उलझे मसले को सुलझाने के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर और अनुभवी नेता को ही पर्यवेक्षक बनाया है। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।